7 अक्टूबर 2023 के बाद से लाल सागर में यमन का हूती लगातार इसराइल और अन्य पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले कर रहा है। हूती ने अभी तक लाल सागर में 2 जहाजों को डुबो दिया है, जबकि उसने 1 जहाज को हाईजैक करके रखा है। हालांकि इस इलाके में अमेरिकी सेना ने कई युद्धपोत और विध्वंसक जहाज तैनात किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हूती के हमलों में कोई कमी नहीं आई। उल्टा अब हूती और ज्यादा भीषण हमले कर रहा है। हूती ने हाल ही में 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमला करने का दावा किया था। इन हमलों को देखकर सबसे बड़ा सवाल अमेरिकी नौसेना की ताकत पर उठता है कि कैसे वो हूती कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई है। अब इसी कड़ी में अमेरिकी नौसेना के वाइस एडमिरल जॉर्ज विकॉफ ने ये बात स्वीकार की कि लाल सागर में अकेले अमेरिकी सेना हूती से नहीं निपट सकती। एडमिरल जॉर्ज का कहना है कि हूती से निपटने के लिए सिर्फ सेना से और ज्यादा विकल्पों की जरूरत है। उनका कहना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी हूती पर दबाव बनाने के लिए सैन्य ताकत की जगह किसी अन्य विकल्प को जरूर तलाशें। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि हथियार तंत्र से इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है, ये प्रयास अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को करना होगा। इसको लेकर अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि बीते 8 महीनों से अमेरिका लाल सागर और एडन की खाड़ी में प्रमुख शिपिंग रास्तों की सुरक्षा कर रहा है। इसके बावजूद भी हूती मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, क्योंकि हूती बिना रुके इन इलाकों में अपने हमले कर रहा है। हालांकि अमेरिकी एडमिरल ने ये बात जरूरी मानी है कि अमेरिका कुछ हद तक हूती के हमलों और ताकत को कम करने में सफल जरूर रहा है, हालांकि वो इन्हें रोक नहीं पाया। एडमिरल जॉर्ज का कहना है कि हूती के भीतर महत्वपूर्ण टारगेट्स का पता लगाने में अमेरिकी सेना को दिक्कत आ रही है, और ऐसे में अमेरिका की पारंपरिक रोकथाम की रणनीति को लागू करना चुनौतीपूर्ण है। इन हालातों में अमेरिका का टारगेट यथास्थित बनाए रखना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हूती के अभियान रोकने के लिए दबाव डालने का मौका मिले। एडमिरल जॉर्ज ने आगे कहा कि हूती को रोकने के लिए जितने देश कूटनीतिक स्तर पर इसमें शामिल होंगे, सफलता की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी अमेरिकी अधिकारी ने इस तरह का बयान जारी किया हो। इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने अपने पिछले बयान में माना था कि हूती को रोकने के लिए अकेले सैन्य कार्रवाई काफी नहीं होगी, और अब तक कई जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि हालात इतनी जल्दी सुधरने वाले नहीं है, और इससे अमेरिकी नौसेना को इस इलाके में लंबे समय तक रुकने से उसका आर्थिक रूप से भारी भरकम बोझ पड़ेगा।